ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो यस्टरडे सेशन एकदम से टर्मिनेट हो गया था, टाइम ओवर हो गया था। आज सेशन थोड़ा सा आगे चलेगा, हम लोगों ने नई आईडी क्रिएट करी है, तो सेशन एक्सटेंड हो जाएगा 40 मिनट्स के बाद। तो क्वेश्चन आंसर्स के लिए अपन टाइम रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं आपको फिर कल का थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। देखो, वो मैंने आपको एक साइट बताई। एक तो ब्लिंक ऐप आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट आपको चीजें फिर से रिवाइज करा देता हूँ। आप ब्लिंक ऐप यूज कर लेंगे, आप 80 से 90% प्रोजेक्ट्स आप कंप्लीट कर लेंगे। आपको ब्लिंक ऐप के अलावा जरूरत ही नहीं है मोबाइल प्लेटफॉर्म में। आपको ब्लिंक ऐप आप सीख लो, आपको ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। अननेसेसरी आप ज्यादा सीखोगे और फालतू के लिए कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। आप ब्लिंक ऐप सीख लोगे, आपको मोबाइल फोन के सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे। आप करंट ट्रांसफार्मर हो, चाहे वोल्टेज ट्रांसफार्मर हो, चाहे टेम्परेचर सेंसर हो, सारा का सारा डेटा IoT के थ्रू आप एक्सेस कर पाओगे। इस तरीके से किसी भी तरीके का सेंसर आपका कंट्रोल पैनल में लगा है या साइट पे लगा हुआ है, आप उससे जो है डायरेक्टली आप लिंक हो करके डायरेक्टली आप जो है डेटा को ले सकते हो। और दूसरा जो है, मैंने एक और बताया कि आपको जो है एक मैंने साइट बताई है, easycoding.in। easycoding.in बहुत बढ़िया साइट है, इंटरनेट के थ्रू आप जा करके उसमें डायरेक्टली आप कोडिंग सीख सकते हैं। तो यस्टरडे मैंने जो है आपको थोड़ा सा कोडिंग करना उसमें सिखाया था, मैं आज फिर से रिवाइज कराता हूँ आपको। लिंक शेयर हो गया सर। हाँ, शेयर हो गया सर स्क्रीन। स्क्रीन शेयर हो गया। हाँ, ओके, अब देखो यहाँ पे मैंने कल भी आपको बताया था कैसे करना है। इजी कोडिंग डॉट इन लिखना है। इजी कोडिंग डॉट इन लिख करके ये पहली वाली साइट आएगी, आप इसको ओपन करिए। अब इसमें ये नीचे सबसे नीचे यहाँ पे देखिए, कोडिंग विथ ESP8266 विथ ब्लॉक्स। ये उनके लिए अच्छा है जो लोग डायरेक्टली ग्राफिकल प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। जो लोगों को डायरेक्टली कोड लिखने में प्रॉब्लम होती है, वो ग्राफिकल प्रोग्रामिंग से सारी चीजें कर सकते हैं IoT का। ये सिर्फ नोड एमसीयू के लिए ही काम में आएगा। ये ESP8266 आप देख रहे हो ऊपर लिखा हुआ है, ये सिर्फ ESP8266 का ही कोड जनरेट करता है। तो मैं फिर से कल का प्रोग्राम आपको रिपीट करा देता हूँ। कल के प्रोग्राम में आज मैंने वीडियो भी कंपाइल कर लिया है, वीडियो तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये IoT, ये जो प्रोग्राम है, ये मैं एक बेसिक प्रोग्राम बता रहा हूँ, इससे IoT का कोई रिलेशन नहीं है। ये सिंपल एक प्रोग्राम है जिसमें IoT का कोई रिलेशन नहीं है। ये सिंपल आपको इनपुट आउटपुट को कैसे करके प्रोग्राम करना है, ये सिंपल सा उसका प्रोग्राम है। इसमें IoT का कोई रिलेशन नहीं है। अब देखो, एक सिंपल सा इनपुट आउटपुट, जैसे मैंने बताया, कोई मान लो कि कोई रिले या लोड लगा हुआ है आपके इनपुट आउटपुट पिन से। हमारे 10 इनपुट आउटपुट पिन होते हैं, D0, D1, D2, D4, D5, D6, D7, D8, D9। तो हमारे इन पिन के साथ किसी भी तरीके का मान लो इनपुट आउटपुट लगा हुआ है और हमें उस इनपुट आउटपुट को ऑन या ऑफ करना है या किसी भी पर्टिकुलर टाइमिंग के अकॉर्डिंग उस इनपुट आउटपुट को चलाना है, तो हम कैसे करके करेंगे। तो अब देखो, यहाँ से ये इनपुट आउटपुट में आप जाओगे, फिर यहाँ डिजिटल में जाओगे और यह डिजिटल राइट। अगर हमें पिन्स पे कोई आउटपुट डिवाइस लगी हुई है तो हम उसमें राइट करेंगे, और हमारे पिन में अगर कोई इनपुट डिवाइस लगी हुई है, जैसे कोई स्विच है या कोई सेंसर है, तो हम उसको रीड करेंगे। तो अभी मैं आपको राइट करना सिखा रहा हूँ। ये डिजिटल राइट आपने यहाँ क्लिक कर लिया है और फिर जो है आप इसको यहाँ पे डायरेक्टली लेके जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली होल्ड हो जाएगा, ये ऑटोमेटिकली होल्ड हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपने जिस भी पिन के साथ अपने डिवाइस या रिले या LEDs लगा के रखी हुए, आप किसी भी पिन के साथ कुछ भी लगा सकते हैं। इनपुट में जो है आप आउटपुट में रिलेज लगा सकते हैं या कोई LED भी लगा सकते हैं। तो ये आप पिन को सिलेक्ट कर लीजिए जिसमें भी आपने लगा के रखा है। जैसे मेरे वाले बोर्ड में मैंने आपको बताया था, मैंने D5 और D6 पे लगा के रखा हुआ है रिले और कॉन्टेक्टर। तो मैं D5 सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे हाई स्टेटस रख दूंगा। फिर से मैं यहाँ पे जाऊंगा, मैं इसी लाइन को फिर से सिलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ पे D5 फिर से सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं स्टेटस को लो कर दूंगा। स्टूडेंट, फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, ये जो प्रोग्राम है, ये एक बेसिक प्रोग्राम है। इनपुट आउटपुट को चलाना मैं आपको सिखा रहा हूँ, इससे इंटरनेट का IoT का कोई रिलेशन नहीं है। IoT का रिलेशन मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, अभी ये मैं सिंपल आपको इनपुट आउटपुट कैसे करके चलाना है मैं उसको सिखा रहा हूँ। उसके बाद जो है आप यहाँ पे वेरियस में जाओ, यहाँ पे देखो डिले का फंक्शन है, ये डिले का फंक्शन आप लोगे, यहाँ पे आप टच करोगे डिले का फंक्शन आ जाएगा। फिर उसके बाद इसको आप लोगे, यहाँ पे आप टच करोगे तो D5 को एक बार हाई कर रहे हो, फिर थोड़े समय के लिए वेट कर रहे हो 100 मिली सेकेंड्स के लिए, इसका मतलब 1 सेकेंड के लिए वेट कर रहे हो, और फिर इसको लो कर रहे हो, और फिर से जो है इसको डिले आपको देना जरूरी है, नहीं तो फिर ये बहुत फास्टली यहाँ पे आ जाएगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा हाई या लो के बीच में डिफरेंस।
तो यहाँ पे मैं गया, मैंने फिर से यहाँ पे डिले ऐड किया। तो देखो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा। आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, ये ग्राफिकल प्रोग्रामिंग है, ये ग्राफिकल प्रोग्रामिंग का तरीका है, ये जो मैंने आपको सिखा रहा हूँ ये ग्राफिकल प्रोग्रामिंग का तरीका है। इसमें आपको कुछ भी कोड लिखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर कोड जनरेट करेगा। यहाँ पे मैं कोड को क्लिक करूंगा, ये देखो ये कोड जनरेट हो गया ऑटोमेटिकली, आपने जो यहाँ पे लिखा है उसके अकॉर्डिंग ये कोड यहाँ पे जनरेट हो गया। फिर से तरीका मैं बता देता हूँ, कल भी मैंने बताया था, इसको पूरा का पूरा कॉपी करेंगे, इसको पूरा का पूरा कॉपी करेंगे, पूरा नहीं करेंगे तभी भी आप यहाँ से भी कर सकते हैं, सेटअप से भी कर सकते हैं। अगर आपको ऊपर वाली ये लाइन हटानी है तो आप हटा सकते हो, पर कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पूरा का पूरा कॉपी कर लेता हूँ। और जो है अब मैं दूसरी स्क्रीन शेयर करूंगा, मैं अपनी आर्डिनो की आईडी ओपन कर लेता हूँ। आर्डिनो की आईडी ओपन होने में 2 मिनट लग रहा है, 1 मिनट बस, ओपन हो गया। सर आर्डिनो की आईडी शेयर हो गई? यस सर। एक सर, हाँ ओके स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे जब न्यू फाइल यहाँ पे जाकर के न्यू क्रिएट करेंगे तो ये प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट ये सेटअप और लूप लिखा हुआ आता है, तो इसको सारा डिलीट कर दो, आपको ये सब किसी की भी जरूरत नहीं, ये पूरा डिलीट कर दो। ये पूरा प्लैंक वो पेज जो है स्केच का पूरा प्लेज जो है ये ब्लैंक है। अब इसमें आपने जो वहां से कॉपी किया इसको आप पेस्ट करो, ये जो है मैंने पेस्ट कर लिया है। आप मैंने ये पहले भी बता दिया, ये ऊपर की लाइन जरूरी नहीं है, ये सिर्फ ये दिखा रहा है कि आपने ये जो कोड है यहाँ से जनरेट किया इस साइट से, easycoding.in से, आप इसको हटा सकते हो, ये कमेंट है, ये इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं इसको हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ये आपका प्रोग्राम है, ये सेटअप के अंदर पिन नंबर 14, मैंने आपको नंबरिंग का पहले भी रोज बताता हूँ, पिन का आपको ध्यान रखना है, पिन D0, D1, D2 अलग अलग नाम से पहचाने जाएंगे। तो आप जैसे मैंने पिन नंबर 5 यूज किया तो यहाँ पे पिन नंबर 5 का 14 हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, नहीं तो फिर ये प्रोग्राम नहीं चलेगा आर्डिनो की आईडी पे। अगर आप यहाँ पे 5 यूज करेंगे तो वहाँ 5 क्लिक ब्लिंक नहीं होगा, 5 को जो है यहाँ 14 से लिखना है। इसका मैंने चार्ट भी आपको शुरू में बता दिया था, उस चार्ट को आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि नंबरिंग कैसे होगी आर्डिनो की आईडी और एक्चुअल में। फिर इसके बाद देखो ये लूप है, ये सेटअप मैंने बताया था, ये सेटअप का जो पार्ट है ये एक बार रन होगा और लूप का पार्ट जो है इनफाइनाइटली रन होगा। अब इसमें लूप वाले पार्ट में क्या किया, आपने डिजिटल राइट किया है, पिन नंबर 14 को एक बार हाई किया है और फिर पिन नंबर 14 को एक बार लो किया, और इसके बीच में 100 मिलीसेकंड मतलब 1 सेकंड के डिले के साथ ये प्रोग्राम रन होगा। फिर इसके बाद तो आपको पता ही है, इसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला अपलोड का बटन प्रेस करना है और ये प्रोग्राम जो है डायरेक्टली कंपाइल होगा और अपलोड होगा। और अगर आप डायरेक्टली आपको सिर्फ कंपाइल करना है तो ये कंपाइल का बटन आप प्रेस करेंगे तो सिर्फ कंपाइल होगा, अपलोड नहीं होगा। ये कंपाइल का बटन अगर मैं प्रेस करूंगा तो ये सेव करने का बोलेगा, मैं सेव करूंगा और ये रन हो जाएगा, प्रोग्राम जो है कंपाइल होना चालू हो जाएगा, इसमें कोई एरर नहीं होगा। और फिर उसके बाद आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये प्रोग्राम डाउनलोड होगा। अब मैंने ये प्रोग्राम का वीडियो सर की आवाज नहीं, एक मिनट सर, गौरव अपना कैमरा बंद कर सकते हो? सर आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। वो किसी ने म्यूट कर दिया था मुझे लग रहा है, एक मिनट। नहीं आ रही थी आपकी आवाज सर, आ रही थी। अच्छा, ठीक है। हेलो आवाज आ रही है सर, क्लियर? एकदम क्लियर आ रही है। ओके। अब देखो ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया, आप देख सकते हो नीचे ये मैसेज आ गया है डन कंपाइलिंग, यहाँ देखो क्लियरली लिखा हुआ है डन कंपाइलिंग। मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये आपको वीडियो के थ्रू नहीं दिखाऊंगा, मैंने रिकॉर्ड करके रखा है ये प्रोग्राम, मैं आपको रिकॉर्डेड जो है ये मैं प्रोग्राम आपको दिखाता हूँ, एक मिनट में वीडियो शेयर करता हूँ। सर शेयर हो गया वीडियो? सर ओके। अब देखो ये प्रोग्राम में मैंने बताया, मैंने D5 पे, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, मैंने D5 और D6 पे मेरे कॉन्टेक्टर, एक में कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, एक में रिले लगा हुआ है, मैं इन्हीं दोनों पिंस को यहाँ पे टॉगल करूंगा, क्योंकि बाकी पिंस को अगर मैं टॉगल करूंगा तो मैं यहाँ देख नहीं पाऊंगा, तो ये मैं टॉगल कर रहा हूँ। देखो ये प्रोग्राम मैंने डाउनलोड किया है और ये देखो बल्ब 1 सेकंड के डिले के साथ ब्लिंक हो रहा है, ये बल्ब जो है 1 सेकंड के डिले के साथ ब्लिंक हो रहा है।
अब नेक्स्ट प्रोग्राम आप देखो, नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको वीडियो चेक करा देता हूँ। मैं ये नया प्रोग्राम डाउनलोड कर रहा हूँ, ये नया प्रोग्राम डाउनलोड। अब मैंने देखो डिले फास्ट कर दिया, ये प्रोग्राम ये इंडिकेट कर रहा है, मैंने डिले को 10 times कम कर दिया। देखो ये बहुत फास्ट ब्लिंक हो रहा है ये बल्ब, ये मैंने 10 times डिले को कम कर दिया। अब ये नेक्स्ट प्रोग्राम है, ये मैं प्रोग्राम आपको दिखा दूंगा, इसमें मैंने दोनों 5 और 6 दोनों को टॉगल कराया। आप देख लो दोनों को टॉगल कराया, ये मोटर एक बार चल रही है तो एलईडी बुझ रही है, और बल्ब अपना चालू हो रहा है तो मोटर ऑफ हो रहा है। ये मैंने 2 points को एक साथ टॉगल कराया। इसका प्रोग्राम मैं अभी आपको चेक करा देता हूं, वीडियो चेक कर लो। रेडियस हो जाएगा आपका 10 mm, और इस पॉइंट से लेके इस हॉरिजॉन्टल लाइन तक की डिस्टेंस हो जाएगी आपकी। ये देखो यहाँ पे मैंने जो है 2 LEDs क्रिएट करी हैं, 2 जो है बल्ब एक साथ जो है चल रहे हैं। अब ये वाला प्रोग्राम मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे करके करना है। सर स्क्रीन शेयर हुई? नहीं। यस सर, हो गई। अब देखो 2 LED के लिए यही प्रोग्राम को अगर मुझे करना रहता तो देखो इसमें कुछ नहीं है। यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे डिजिटल इनपुट आउटपुट में गया, मैंने डिजिटल इनपुट आउटपुट दूसरा पिन लिया, और फिर मैंने डिजिटल इनपुट आउटपुट मैंने एक और बार लिया, यहाँ पे लिया मैंने इसको, फिर यहाँ जोड़ दिया उसी प्रोग्राम में देख लो। और यहाँ पे जाकर के डिले को अगर कम करना है तो तुम यहाँ कर ही सकते हो, कम करना है तो यहाँ पे कर सकते हो। अब मैंने 5 और 6 मेरे दोनों 5 को भी ले लिया और मैंने 6 को भी ले लिया, 5 और 6 ये मैंने 5 और 6 को लिया। एक बार एक को हाई किया तो दूसरे को मैंने लो कर दिया, तो एक चालू रहेगा तो दूसरा बंद रहेगा। इसी तरीके से इसको लो कर दिया, 5 अब जो है लो हो गया है और ये लो से हाई हो गया। अब देखो इसका प्रोग्राम आप यहाँ पे जैसे करोगे तो देखो ये प्रोग्राम पूरा चेंज हो गया। अब देखो यहाँ 2 pins आ गई है, 14 भी आ गया है, यहाँ 2 pins आ गई है, 14 आ गया है और 12 आ गया है। नंबर 5 और 6 का मैंने बताया था, 5 का नंबर किससे, 14 से डिनोट होगा, और 6 का नंबर यहाँ किससे डिनोट हो रहा है, 12 से। तो ये नंबरिंग आपको चेक करना है, ये नंबरिंग का चार्ट जो है आपको नेट से डाउनलोड करने को मिलेगा। और यहाँ से आप देखो ये इन दोनों पिन को एक बार आपने हाई कराया है, ये डिले दिया है और यहाँ पे इसको लो कराया है, बस ये सिंपल सा प्रोग्राम है। ये जो है आपको इसको फिर से आपको वही सेम प्रोसेस है, इसको यहाँ से आप कॉपी करोगे, इसको यहाँ से आप कॉपी करोगे, आर्डिनो की आईडी ओपन करोगे, आर्डिनो की आईडी ओपन करोगे, आर्डिनो की आईडी ओपन करोगे, यहाँ से जो भी है सारा का सारा पुराना प्रोग्राम डिलीट करोगे या नया स्केच ओपन करोगे तो आपको फ्रेश मिलेगा, और उसके बाद आप यहाँ पेस्ट करोगे, यहाँ पेस्ट करके इसको सेव करोगे, सेव करके इसको कंपाइल करोगे और फिर डाउनलोड करोगे। नेक्स्ट जो है देखो यहाँ पे जो है ये एक मैंने स्क्रीन शेयर करी, आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें ये बटन है, ये बटन है यहाँ पे, ये एलईडीज है, सॉरी ये एलईडीज है, एलईडीज को आपको डायरेक्टली अगर कनेक्ट करना हो, ये एक्चुअली नोड एमसीयू नहीं है, आर्डिनो का बोर्ड है, लेकिन सेम इसी तरीके से आप नोड एमसीयू के साथ भी आप किसी भी पिन के साथ D1 D2 D3 D4 किसी के साथ भी आप लगा सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे जो है आप ये एक रेजिस्टेंस आप यूज करना जरूर से 100 से लेकर के 200 ओम के बीच में, और फिर आप एलईडी को लगा के आप इसको डायरेक्टली ग्राउंड कर देना। आप जब नया बोर्ड लेके आएंगे फिर आप यहाँ से प्रोग्राम डाउनलोड करके इसके स्टेटस को आप चेक कर सकते हैं, जिस भी पिन में आप एलईडी लगाएंगे प्रोग्रामिंग में भी आप वही यूज करेंगे। तो ये सिंपल सा एक एलईडी इंटरफेसिंग का जो है डायग्राम है, एलईडी के साथ आपको जरूर से एक रेजिस्टेंस लगाना है 100 ओम से लेकर के 200-300 ओम के बीच में आप लगा सकते हैं। ज्यादा ओम का लगाएंगे तो एलईडी की ब्राइटनेस कम होगी क्योंकि करंट कम हो जाएगा, और कम ओम का रहेगा तो एलईडी की ब्राइटनेस ज्यादा मिलेगी। एक रेजिस्टेंस जरूर लगाए, आर्डिनो में तो जरूरी है, नोड एमसीयू में बिना इसके भी चल जाता है, पर लगाना सेफ है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे मैं जो नेक्स्ट आपको बताना चाह रहा हूँ ये बटन की इंटरफेसिंग। अगर आपको किसी पिन के साथ, ये तो आउटपुट डिवाइस हो गया, एलईडी आपकी आउटपुट डिवाइस हो गई, रिले आपकी आउटपुट डिवाइस हो गया। अब जो है नेक्स्ट आपको जो मैं बता रहा हूँ ये एक बटन है, बटन एक इनपुट डिवाइस है। यहाँ से आपने प्रेस किया यहाँ पे सिग्नल गया, और ये सिग्नल जो है आप माइक्रो कंट्रोलर को या नोड एमसीयू को मिलेगा। अब इस बटन को इंटरफेस करने का देखो 2 तरीके हैं। यहाँ पे देखो किस तरीके से इंटरफेस किया है, यहाँ पे एक इन्होंने पुल, यहाँ पे इस पॉइंट को इन्होंने ग्राउंड कर दिया, और यहाँ पे ये बटन के साथ यहाँ 5 volt प्रेस कर दिया। अब देखो ये स्विच अगर ओपन है, तो ये जो पॉइंट है ये रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, मतलब इस पॉइंट पे क्या वोल्टेज आएगा, 0 volt आएगा। जैसे तुम इस स्विच को प्रेस करोगे वैसे ही ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट कहाँ कनेक्ट हो जाएगा, 5 volt के साथ कनेक्ट हो जाएगा, और जैसे ये 5 volt के साथ कनेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे हाई लॉजिक आएगा। तो ये बटन को कनेक्ट करने का तरीका है, कैसे, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा करके ग्राउंड किया है, और यहाँ से बटन के साथ यहाँ पे दूसरा
वाला सिरा जो है 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट कर दिया। कैसे काम करेगा, जब ये बटन ओपन रहेगा, जब आप इसको प्रेस नहीं करोगे तो ये बटन जो है डायरेक्टली ग्राउंड के साथ कनेक्ट, ये वाला जो रेजिस्टेंस के साथ ये पिन जो है डायरेक्टली ग्राउंड रहेगा, तो यहाँ 0 वोल्ट रीड होगा, और जब तुम इसको प्रेस करोगे तो ये 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगा और ये जो है हाई वोल्टेज रीड करेगा। एक तो ये तरीका है बटन को कनेक्ट करने का, एक और तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, डायरेक्टली आपको ग्राउंड के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हो। एक मिनट सर, इजी कोडिंग वेबसाइट जो है उस पे बच्चे कोई अपना प्रैक्टिकल प्रोग्राम भी रन कर सकते हैं क्या? प्रोग्राम देखिए रन करने के लिए बच्चा पूछ रहा है, इस साइट पर प्रैक्टिकली प्रोग्राम रन कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, स्टूडेंट आपको देखो रन करने के लिए आपको अपना खुद का किट खरीदना पड़ेगा, रन करने का कोई तरीका नहीं है। आपको जो है वो नोड एमसीयू खरीदे बिना आप किसी तरीके से नहीं रन कर पाएंगे, वो कोड जनरेट करके दे देगा आपको, लेकिन रन करने के लिए आपको जो है वो आपको खुद का किट होना जरूरी है, उसके बिना आप नहीं रन कर सकते। इसका कोई सिमुलेटर नहीं आता, अगर कोई सिमुलेटर आता तो मैं आपको 100% बताता इस प्रोग्राम में, कोई सिमुलेटर अवेलेबल नहीं है मार्केट में। आपको जो है 250 रुपीज या 300 रुपीज का आएगा, आपको ये खरीदना पड़ेगा। आप 4-5 एलईडीज ले आए, ज्यादा कुछ लाने की जरूरत नहीं, 4-5 एलईडीज ले आए और साथ में जो है 2 या 3, 1 या 2 पोटेंशियोमीटर ले आए, तो आपका सारा काम हो जाएगा। आप सारा IoT सीख करके आप फिर जब इंप्लीमेंट करेंगे तब प्रोटियस करके जो सॉफ्टवेयर आता है, नहीं उस प्रोटियस में देखिए, नहीं प्रोटियस में आर्डिनो तक हो जाएगा, नोड एमसीयू का सिमुलेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारा आईओटी के थ्रू है। स्टूडेंट आपको समझना होगा कि नोड एमसीयू बेसिकली आईओटी के थ्रू होता है और आईओटी के लिए वाईफाई कनेक्शन होना मस्ट है, तो वो नोड एमसीयू वाईफाई के थ्रू ब्लिंक ऐप को नहीं चला सकता, इसलिए उसका सिमुलेशन पॉसिबल नहीं, आपको रियल टाइम में ही करना होगा। अब देखो ये एक और मैंने स्क्रीन शेयर करी है, यहाँ एक और स्क्रीन शेयर करिए, ये एक और बटन का कनेक्शन है, ये पुश बटन है, ये पुश बटन मार्केट में अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा, ये कोई कॉस्टली नहीं है। आप पुश बटन 2-3 पुश बटन साथ में इसके साथ में लेके आइएगा। पुश बटन को देखो किस पिन से कनेक्ट किया, एक पुश बटन का एक साइड, ये एक साइड है और ये दूसरा साइड है, इसमें 4 पिन होते हैं लेकिन ये 2 पिन आपस में शॉर्ट होते हैं, ये ध्यान रखना, इसमें 4 पिन है, ये 2 पिन आपस में शॉर्ट है और ये 2 पिन आपस में शॉर्ट है। अब जैसे तुम इस बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ से यहाँ के बीच में शॉर्टिंग बनेगी, यहाँ से यहाँ के बीच में क्लोज कॉन्टेक्ट होगा, नहीं तो ये ओपन कॉन्टेक्ट है। अब देखो ये यहाँ पे क्या कर दिया, इन्होंने एक साइड को ग्राउंड कर दिया है स्विच को, और एक साइड को यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है, ये डायरेक्टली पिन नंबर 14 से कनेक्ट कर दिया, किसी डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन से कनेक्ट कर दिया, पिन नंबर 14 से D14 के साथ इसको कनेक्ट कर दिया इन्होंने, ये डायरेक्टली इन्होंने कनेक्ट कर दिया। अब इस बटन को जब इस बटन को प्रेस नहीं करोगे तो ये पॉइंट जो है हाई रहेगा, और जैसे इस बटन को प्रेस करोगे तो ये पॉइंट जो है ग्राउंड हो जाएगा, ये पॉइंट जो है ग्राउंड हो जाएगा। तो देखो ये 2 तरीके हैं इस स्विच को कनेक्ट करने का, और स्विच के साथ जो है ये इम्पोर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, जैसे कि IR सेंसर है, उसमें भी जो है लॉजिक 0 या हाई होगा, तो जैसे स्विच का कनेक्शन हो रहा है, जैसे मैं आपको स्विच का कनेक्शन बना रहा हूँ, इसी टाइप से आपको जो है ये सेंसर्स के भी सेम इसी टाइप के कनेक्शन करने हैं। मैं आपको कल एक सेंसर का कनेक्शन करके बताऊंगा, इंफ्रारेड सेंसर है, आप उस इंफ्रारेड का सेंसर किसी भी कंट्रोल पैनल में या किसी जगह पे आप ऐसे जगह पे यूज कर सकते हैं, जैसे आप चाह रहे हैं कि कोई अगर कंट्रोल पैनल एक छोटा सा एप्लीकेशन है, मान लो कि आपने कंट्रोल पैनल डिजाइन किया और आप चाह रहे हो कि कोई भी अगर उस कंट्रोल पैनल को ओपन करे तो ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल फोन में जो है आपका ऐप के ऊपर वो बताए कि कंट्रोल पैनल ओपन है कि क्लोज है, कहीं अगर से कंट्रोल पैनल छूट जा रहा है ओपन तो आपको जो है मोबाइल फोन के ऊपर वो वार्निंग लाइट दिखाता रहे। तो उसके लिए आपको जो है या तो आप एक स्विच लगा लो कंट्रोल पैनल के अंदर, एक स्विच लगा लो, जब कंट्रोल पैनल बंद हो तो वो स्विच प्रेस हो जाए और इसको सिग्नल मिल जाए, या वहां पे एक इंफ्रारेड सेंसर भी आप लगा सकते हो कि वो कंट्रोल पैनल के दरवाजे को डिटेक्ट करे और जैसे कंट्रोल पैनल बंद हो वैसे जो है सिग्नल आपके उसमें ऑफ कर दे मोबाइल फोन में, और जैसे ही कंट्रोल पैनल खुल जाए तो मोबाइल फोन में इंडिकेट करे कि कंट्रोल पैनल खुला हुआ है। इससे फायदा ये है कि मान लो कभी ऐसा गलती से हो सकता है कि कहीं रिमोट लोकेशन पर कोई कंट्रोल पैनल है और सही से लॉक ना हुआ हो, तो आपको जो है मोबाइल फोन में वो कंटिन्यूसली बताता रहेगा कि कंट्रोल पैनल सही से लॉक नहीं हुआ है। तो इसके लिए जो है ये बटन्स वगैरह का यूज बहुत ज्यादा है, तो ये इंटरफेसिंग आपको ध्यान में रखना है, बहुत सिंपल है। जिस भी पिन के साथ आपने सेंसर कनेक्ट करना है उस पिन में जो है दूसरा वाला ये बटन का जो दूसरा वाला सिरा ग्राउंड हो जाएगा और एक पिन जो है यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आप बटन को प्रेस करोगे तो ये ग्राउंड होकर के यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा पीली वाली लाइन के साथ और इस पॉइंट को ग्राउंड कर देगा। समझ में आ रहा है, ये पिन जो है जैसे आप प्रेस करोगे तो ये ग्राउंड यहाँ से चलेगा और ये येलो वाली लाइन से कनेक्ट होकर के इस पॉइंट को ग्राउंड कर देगा। अब जो है ये पिन 14 ग्राउंड कैसे होगा सर? पिन 14 क्योंकि देखो पिन 14 कैसे ग्राउंड होगा, ये जो स्विच है ये देखो ये एक स्विच है, ये स्विच ओपन है, अभी ये स्विच अभी ओपन है, जैसे ही आप प्रेस करोगे तो ये वाला पॉइंट इसके साथ शॉर्ट हो जाएगा, ये जो मेरा माउस देखो इस वाले पॉइंट
और इस वाला पॉइंट आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, ये जो दो पॉइंट है। जैसे यहाँ पे ग्राउंड है, इस पॉइंट पे ग्राउंड है और इस पॉइंट पे क्या है 14 नंबर कनेक्टेड है। जैसे तुम इसको प्रेस करोगे तो ये ग्राउंड यहाँ से होते हुए यहाँ का और कनेक्ट हो जाएगा और ये ग्राउंड होते हुए येलो लाइन से ग्राउंड चलेगा और ये पिन नंबर 14 को ग्राउंड कर देगा। अमित सर क्लियर है? यस सर। ओके, अब देखो नेक्स्ट ये बात आती है कि इसको कैसे करके हमको रीड कैसे करके करना है। फिर देखो स्टूडेंट, मैं अभी कोई आईओटी के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं आईओटी के ऊपर बात करूंगा तब मैं वाईफाई के ऊपर बात करूंगा, मैं कनेक्टिविटी के ऊपर बात करूंगा। मैं अभी आपको सिंपल सिखा रहा हूँ कि आपको सेंसर को कैसे कनेक्ट करना है और नोड एमसीयू के साथ कैसे इंटरफेस करना है। तो मैं आज कुछ भी आईओटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अभी मैं आपको सिंपल सिखा रहा हूँ कि आपको इस डिवाइस के साथ किसी स्विच को या किसी सेंसर को आप कैसे करके कनेक्ट करेंगे। तो मैं फिर से आपको उसी स्क्रीन के ऊपर लेके जाऊंगा अपने इजी कोडिंग के ऊपर। ये मैं फिर से ये सारा का सारा मैं डिलीट कर दूंगा। ये सारा का सारा मैंने डिलीट कर दिया, मैं इसको सेंटर पे लेके आऊंगा। अब देखो यहाँ पे अभी तक मैं क्या कर रहा था, अभी तक मैं डिजिटल में जाकर के डिजिटल में राइट कर रहा था किसी पिन को। मैंने बताया किसी भी पिन को इनपुट बना सकते हैं और किसी भी पिन को आउटपुट बना सकते हैं। अगर स्विच लगाए या सेंसर लगाए किसी पिन के साथ, वो पिन कैसा काम करेगी, वो पिन इनपुट के जैसा काम करेगी। और अगर किसी पिन के साथ रिले लगा हुआ है और कोई लोड लगा हुआ है या कोई एलईडी लगा हुआ है तो वो आउटपुट के जैसा काम करेगी। तो किसी भी पिन के साथ अगर सेंसर लगा हुआ है तो उसको रीड करना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है ये डिजिटल राइट है और ये डिजिटल रीड है। तो ये डिजिटल रीड को मुझे यहाँ ले लेना है। इसके बाद मुझे इस डिजिटल रीड का स्टेटस कैसे दिखाना है, तो मैं यहाँ पे एक काम करूंगा। यहाँ एक सीरियल पोर्ट होता है माइक्रो कंट्रोल, इसके अंदर एक सीरियल पोर्ट होता है जो कि केबल के साथ कनेक्ट होता है और उससे डेटा मिलता है हमें फीडबैक में। तो ये सीरियल वाले पिन को ले लूंगा और ये प्रिंट इन ए न्यू लाइन करूंगा। प्रिंट इन ए न्यू लाइन मेल रूप के अंदर लूंगा क्योंकि मुझे हमेशा रीड करना है सेंसर के स्टेटस को। इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से, इसको मैं डिटैच करूंगा। देखो ये कैसे डिटैच हो रहा है, ये इसको पकड़ा मैंने और इसको डिटैच किया, इसको मैंने हटाया यहाँ से और इसको लेके आया और मैंने यहाँ इसको जोड़ा। ये आप जब खुद डाउनलोड करोगे सॉफ्टवेयर, 2-3 दिन यूज करोगे तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा। और नेट पे भी कई सारे ट्यूटोरियल्स आप देख लेना, आपको नेट पे भी कई सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। ये इसको मैंने हटा, ये देखो किसी भी पॉइंट को मैं हटा सकता हूँ या जोड़ सकता हूँ यहाँ पे। ये मैंने इसको यहाँ पे इसको दे दिया। अब देखो ये क्या करेगा, सीरियल पोर्ट के ऊपर ये प्रिंट करेगा किसकी स्टेटस को, जो जहाँ पे भी मैंने सेंसर जोड़ के रखा हुआ है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसका मेरा कोई काम नहीं है। ये मैंने यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दिया है और ये डिजिटल इनपुट ये D0 पिन के साथ, अभी ये मान रहा है कि ये जो प्रोग्राम है ये बता रहा है कि D0 पिन के साथ कोई स्विच लगा हुआ है या कोई सेंसर लगा हुआ है, उसकी उसकी स्टेटस को सीरियल पोर्ट पे दे रहा है। अब सीरियल पोर्ट को कैसे देखना है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो है मेरा, आपको पता होगा आपने स्विच कहाँ जोड़ के रखा हुआ है, तो फिर मेरे को पता है मैंने D3 पिन पे स्विच जोड़ के रखे। मेरे उसमें बोर्ड में दो स्विचेस है, एक D3 पे जुड़ा हुआ है और एक D4 पे जुड़ा हुआ है। एक D3 पे जुड़ा है और एक D4 पे जुड़ा है, तो मैं कोई सा भी यूज कर सकता हूँ। मैंने D3 को कनेक्ट कर दिया है। अब मुझे कुछ नहीं करना है, ये कोड पे क्लिक करना है। ये कोड देखो ये जनरेट हो गया है, यहाँ पे ये कोड यहाँ पे जनरेट हो गया है। अब जो है आप इसको आप यहाँ से इसको कॉपी करोगे, ये कोड को कॉपी करोगे यहाँ से। अब जो है ये पुराना प्रोग्राम है, आप चाहो ये प्रोग्राम पुराना प्रोग्राम मैं डिलीट कर देता हूँ। ये स्क्रीन पूरी ब्लैंक हो गई, इस कोड को मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा। अब ये देखो ये इसका ऊपर वाला मैं हटा देता हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो। ये प्रोग्राम है इसका मेन, इसमें देख लो ये क्या किया है। पिन जीरो को मैंने बताया, पिन जीरो को इनपुट बनाया है। पहले हम पिन को क्या बना रहे थे, आउटपुट बना रहे थे। फिर से आप ध्यान रख लो, इसमें नोड एमसीयू में जितने भी पिन है उसमें से भी किसी भी पिन को इनपुट या आउटपुट बनाया जा सकता है आपके अनुसार। आप किसी भी पिन को इनपुट बना सकते हो या आउटपुट बना सकते हो। आउटपुट बनाओगे कब, जब वहां पे रिले या एलईडी या इस तरह की कोई कॉन्टेक्टर, इस तरह की कोई डिवाइस लगी है। और इनपुट कब बनाओगे, जब आप वहां पे कोई सेंसर लगा है या कोई स्विच लगा हुआ है, इस टाइप की डिवाइस में आप इसको इनपुट बनाओ। फिर ये सीरियल पोर्ट है, ये सीरियल पोर्ट का फंक्शन है serial.begin। आपने 9600 पे सीरियल पोर्ट को इनिशियलाइज कर लिया है। फिर ये लूप के अंदर आपने क्या है, डिजिटल रीड, ये पिन को रीड किया है, ये पिन नंबर जीरो को रीड किया है और सीरियल पोर्ट पे इसको प्रिंट करा है। serial.println new line, ये serial.println new line पे आप इसको प्रिंट किया। अब जो है आपको क्या करना है, इस प्रोग्राम को फिर से आपको मालूम ही है सबको क्या करना है, वेरीफाई करना है। शुरू में वेरीफाई में कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि वो कोड जो है गलत जनरेट करता ही नहीं है ये जो इजी कोडिंग से आपसे। यहाँ पे देखो कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ है, ऐसा
सर ये जो सीरियल है मतलब इसका है क्या, मतलब क्यों अपन इसको दे रहे हैं और 9600 क्यों लिख रहे हैं? ये 9600 ये बॉड रेट है, ये सीरियल पोर्ट जो है, सीरियल पोर्ट जो है, सीरियल पोर्ट से जो है आप ये जो डेटा आपको माइक्रो कंट्रोलर के साथ जो यूएसबी केबल कनेक्टेड है उस पे आपको डेटा मिलेगा। और ये सीरियल पोर्ट देखने का तरीका जो है, ये मैं आपको बताता हूँ एक मिनट, सीरियल पोर्ट देखने का तरीका कैसा रहता है। एक मिनट, यहाँ पे देखो एक मैंने कॉपी करने में गड़बड़ी करी है, एक कॉमा कॉलन जो है नीचे का जो सेमी कॉलन है मिस कर दिया था, इसीलिए देखो यहाँ पे एरर आया था। अब जो है सीरियल पोर्ट बेसिकली क्या है, देखो सीरियल पोर्ट मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सीरियल पोर्ट क्या है, ये जो आप यूएसबी केबल कनेक्ट कर रहे हो ना, इसके साथ सारा का सारा डेटा सीरियल पोर्ट के ऊपर जा रहा है ये यूएसबी केबल के थ्रू। तो आप जो है वो नोड एमसीयू से कोई भी डेटा आप देख सकते हो सीरियल पोर्ट के थ्रू। सीरियल पोर्ट को देखने के लिए यहाँ पे देखो, ये ऊपर की तरफ मेरा माउस पॉइंटर दिख रहा है यहाँ पे देखो एक सीरियल मॉनिटर करके आपने देखा होगा एक विंडो बना हुआ है। ये सीरियल मॉनिटर को जैसे ही आप क्लिक करोगे, सीरियल मॉनिटर को जैसे क्लिक करोगे तो ये सीरियल पोर्ट का विंडो ओपन हो जाएगा। ये देखो ये कॉम 8 है, मैंने बताया ना अपना कॉम किस पे जा रहा है, 8 नंबर पोर्ट पे जा रहा है। ये अपना कॉम किस पे जा रहा है, कॉम 8 पे जा रहा है। ये देखो ये कॉम 8 है, ये कॉम 8 है, ये कॉम 8 है। अपना कॉम जो भी आप डेटा है जब आप प्रेस करोगे तो इस कॉम के ऊपर डेटा आएगा, इस कॉम के ऊपर मैं एक दो एग्जांपल आपको और बता दूंगा, पर अभी आप ये समझ लो कि सारा का सारा डेटा जो कम्युनिकेट हो रहा है ये कॉम 8 के ऊपर कम्युनिकेट हो रहा है। तो अब जो पिन आप प्रेस करोगे तो उसका स्टेटस यहाँ पे दिखाएगा। कैसा स्टेटस दिखाएगा, स्विच का कैसा स्टेटस होता है आप लोगों को पता है, 0 या 1 होगा। अगर आपने प्रेस नहीं किया तो 1 आएगा, प्रेस करोगे तो 0 आएगा, बस सिंपल सा स्टेटस आएगा 0 या 1। अब मैंने ये प्रोग्राम आप देख लो, उसके बाद आप ये प्रोग्राम देख लो, फिर उसके बाद जो है मैं आपको फिर मैं आपको ये दिखा देता हूँ, क्या बोलते हैं इसका वीडियो दिखा देता हूँ। ये प्रोग्राम मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ है, एक मिनट में आपको वीडियो दिखा। अर्शद माइक म्यूट करो। ये वीडियो मैंने शेयर कर दिया है, शायद आप लोग सबको दिख रहा होगा, मैं प्ले कर रहा हूँ वीडियो। अब देखो यहाँ पे मैंने ये दो बटन लगा रखे हैं, ये देखो मेरे इसमें दो बटन ये लगे हुए हैं, यहाँ पे जहाँ पे मेरा हाथ है यहाँ पे दो बटन लगे हुए हैं। ये दो बटन को प्रेस करने पे ये जो पिन है मैंने बताया कौन कौन सी पिन, 3 और 4 नंबर पिन जो है ग्राउंड होगा। ये बटन को एक तरफ बटन के ग्राउंड लगा हुआ है, जब जैसे बटन को प्रेस करूंगा तो ये ग्राउंड होगा। अब ये डेटा देखो यहाँ पे जो है, अब सीरियल पोर्ट का डेटा कहाँ से आ रहा है, ये सीरियल पोर्ट का डेटा इस केबल के थ्रू आ रहा है, ये सीरियल पोर्ट का डेटा इस केबल के थ्रू होते हुए कंप्यूटर में 9600 बिट्स प्रति सेकंड, वो 9600 बिट्स प्रति सेकंड है, उस बिट्स की स्पीड से जो है यहाँ पे ये डेटा जा रहा है। अब आपको मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे भी देखना है, इस वीडियो में आखिरी में कंप्यूटर की स्क्रीन को भी मैं चेक कराऊंगा। अब ये मेरा कंप्यूटर का स्क्रीन है, ज्यादा क्लियर नहीं है, थोड़ा सा कुछ देखने में हो सकता है प्रॉब्लम हो। यहाँ पे देखो ये यहाँ पे 0 और 1 आ रहे हैं इस कोने में, अगर आप देखोगे 0 और 1 आ रहे हैं तो ये 0 और 1 चेंज होगा, जैसे मैं वहां से प्रेस करूंगा तो यहाँ सिग्नल जो है 0 या 1 में जो है चेंज होगा। मैं आपको फिर से एक बार वीडियो दिखा देता हूँ। ये स्क्रीन में देखो ये 1111 शायद इस कोने पे आ रहे थे, ये स्क्रीन में 1111 आ रहे थे। अब देखो यहाँ पे ये जैसे मैं बटन प्रेस करता हूँ ये 0 हो जाते हैं, सिग्नल जो है वहां से यहाँ जो है ट्रांसफर हो रहा है। अब देखो ये जो है आपको स्विच, आपको एक बार मैं फिर से स्विच का थोड़ा सा बता देता हूँ, एक मिनट।
तो देखो स्विच का इंटरफेसिंग बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ये स्विच लेना है आपको, स्विच का एक हिस्सा यहाँ से कि जिस पिन के साथ जोड़ना है उस पिन के साथ जोड़ दोगे और दूसरा वाला हिस्सा ग्राउंड कर दोगे। जैसे ही आप स्विच प्रेस करोगे ये ग्राउंड कहाँ से, ये ग्राउंड होते हुए क्लोज कॉन्टेक्ट से होते हुए ये ग्राउंड यहाँ टच करेगा और इस पिन को ग्राउंड करेगा और जो है आपको जो है यहाँ पे इस पॉइंट इस पिन को जो है ग्राउंड सिग्नल मिलेगा और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है आप उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आप जो भी लिखोगे उस प्रोग्राम में उस उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। इस जगह पे स्विच की जगह पे आप यहाँ पे कोई सेंसर भी लगा सकते हो। मैं एक वीडियो बनाऊंगा कल जिसमें मैं आईआर सेंसर लगा के यहाँ पे आईआर सेंसर के थ्रू आपको जो है ये चेक कराऊंगा। तो ये जो है आपको स्विच और ये जो है रिले का इंटरफेसिंग है। अब नेक्स्ट अमित सर अपन फॉरवर्ड करें नेक्स्ट कि स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चन ले लें। ओके अब देखो नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अगर आप डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट कर लोगे और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कर लोगे तो मैक्सिमम चीजें आप जो है कर लोगे, मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर लोगे। ये तीन चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का कौन सा पिन है, ये है एडीसी पिन, आपको दिख रहा होगा सभी को स्क्रीन में, यहाँ एडीसी लिखा हुआ है। ये पिन जो है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, आप देखो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर आप लोगों ने डिजिटल में सबने पढ़ रखा है। अपने जितने भी रियल लाइफ सिग्नल्स होते हैं जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, करंट, वोल्टेज, ये सारे एनालॉग सिग्नल होते हैं, ये डिजिटल सिग्नल्स नहीं होते हैं क्योंकि एनालॉग सिग्नल टाइम के साथ कंटिन्यूअसली वैरी करते हैं। एनालॉग सिग्नल्स जो है टाइम के कंटिन्यूअसली वेरी करते हैं और डिजिटल सिग्नल्स टाइम के साथ डिस्क्रीट स्टेट, उसमें जो है हाई स्टेट को अपन 5 वोल्ट से दिखाते हैं और जीरो लो स्टेट को हम 0 वोल्ट से दिखाते हैं। कहीं कहीं सिस्टम में अलग अलग होता है, कहीं कहीं हाई वोल्टेज को हम 12 वोल्ट से भी दिखाते हैं, कहीं कहीं 0 वोल्ट से भी दिखाते हैं, पर डिजिटल में दो ही स्टेट होगा, हाई स्टेट लॉजिक हाई और लॉजिक जीरो, उसको किसी ना किसी एक वोल्टेज से दिखाएंगे। लेकिन एनालॉग जो सिग्नल होगा वो कंटिन्यूअसली चेंज होगा, वो कंटिन्यूअसली टाइम के साथ चेंज होगा। जैसे कि मैं अगर तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल कहूं, जैसे कि अगर मान लो एक टेम्परेचर है, टेम्परेचर एक वेरिएबल है और तुमने एक टेम्परेचर सेंसर यूज किया है, वो टेम्परेचर को वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहा है। सेंसर क्या करेगा, फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेगा। जैसे कि एक मान लो टेम्परेचर सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर क्या करेगा, टेम्परेचर की वैल्यू को वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। तो अब ये जो वोल्टेज है ये कोई डिजिटल फॉर्म में नहीं होगा, ये 0 या 1 के फॉर्म में नहीं होगा या 0 और 5 वोल्ट के फॉर्म में नहीं होगा, टेम्परेचर कंटिन्यूअसली चेंज करेगा डिपेंडिंग वो सेंसर किस टाइप का है। 0 से 5 वोल्ट के बीच में होगा तो तुम्हें 0 से 5 वोल्ट के बीच में सारे वोल्टेज मिलेंगे। अगर गर्मी का दिन होगा तो तुम्हें 4.5 वोल्ट मिलेगा क्योंकि ज्यादा हॉट होगा तो फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा, और जैसे जैसे ठंडा होगा या ठंडी का दिन होगा तो उसमें मान लो 1 वोल्ट 2 वोल्ट इस टाइप से मिलेगा, डिपेंडिंग वो टेम्परेचर की वो तुम्हारे सेंसर की कैरेक्टरिस्टिक कैसी है। तो ये एक एनालॉग सिग्नल है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, प्रेशर है, ये सारे के सारे एनालॉग वैल्यूज हैं, इनमें जो है ये सिग्नल जो है डिस्क्रीट नहीं है, ये जो है कंटिन्यूअसली टाइम के साथ चेंज होंगे। और जो भी सेंसर होगा वो जो करस्पॉन्डिंग फिजिकल क्वांटिटी आपने इंस्ट्रूमेंटेशन में पढ़ के रखा हुआ है, सेंसर या ट्रांसड्यूसर क्या काम करते हैं, जो भी एनालॉग वैल्यूज होते हैं, जो भी फिजिकल वैल्यूज होती हैं, उनको किस में कन्वर्ट करता है, उसमें वोल्टेज के फॉर्म में या करंट के फॉर्म में। तो अभी हम ये मान रहे हैं कि वोल्टेज के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो देखो ये जो वैल्यूज हैं इनको रीड करने के लिए आप इनमें से किसी भी पिन्स को यूज नहीं कर सकते हैं। आप फिर से ध्यान से सुन लो, मैंने बताया था 10 डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन है जिनको कि इनपुट या आउटपुट आप जैसा चाहे वैसा यूज कर सकते हैं, लेकिन एनालॉग के लिए आप इन पिन्स को यूज नहीं कर सकते हैं। एनालॉग पिन्स के लिए सिर्फ एक ही पिन है, आपको ये ध्यान रखना है, एनालॉग के लिए सिर्फ एक ही पिन है, ये वाली, मतलब एट ए टाइम इस पूरे डिवाइस के साथ आप एक ही सेंसर यूज कर सकते हैं। अब स्टूडेंट लोग कभी कभी पूछते हैं, सर अगर हमारे पास कंट्रोल पैनल में 2 सेंसर हुए, एक टेम्परेचर का हुआ और एक ह्यूमिडिटी का हुआ, हमें तो हम कैसे करके करेंगे। तो देखो इसके लिए टेक्निक आएगा, इसके लिए जो है मार्केट में मल्टीप्लेक्सर मिलते हैं, आपको ये मल्टीप्लेक्सर का यूज करना पड़ेगा, या इसके अलावा आप एडीसी आते हैं, 4 चैनल के एडीसी आते हैं, तो वो एडीसी आपको यूज करना पड़ेगा, उसमें ज्यादा नंबर ऑफ एनालॉग चैनल्स मिलेंगे। तो वो अभी तो हम इस लेवल पे नहीं बता पाएंगे, आप ध्यान रख लो कि आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। अगर आपके प्रोजेक्ट में मान लो 2 टेम्परेचर सेंसर यूज हुए हैं या 2 ह्यूमिडिटी सेंसर यूज हुए हैं या 2 कोई लाइट सेंसर यूज हुए हैं, तो आप जो है ये मल्टीप्लेक्सर आपको मार्केट में बना बनाया मिलेगा, मल्टीप्लेक्सर ला करके आप यूज कर सकते हो। अभी मैं उस पर कोई डिस्कशन नहीं करूंगा, सिर्फ मैं आपको जो बता रहा हूँ कि आप जो है इस बोर्ड में एक ही सेंसर
यूज कर पाओगे, एक सेंसर से ज्यादा आप यूज नहीं कर पाओगे, वो इस पिन से ही कनेक्ट होगा। और मैक्सिमम वैल्यू जो है आप ये ध्यान रखना कि सेंसर जो है मैक्सिमम 3.3 वोल्ट से ज्यादा ना दे, क्योंकि फिर 3.3 वोल्ट से ज्यादा देगा तो ये डिवाइस जो है डैमेज होने की कंडीशन खराब हो सकता है। इसलिए कोशिश ये करना कि ये वोल्टेज को जो है मैक्सिमम 3.3 वोल्ट से, कोई सा भी सेंसर आप 5 वोल्ट पे मत चलाना, 0-3 वोल्ट पे ही चलाने की कोशिश करना। और दूसरा एक और जो आपको बता देता हूँ, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का रेजोल्यूशन होता है, हर एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का रेजोल्यूशन होता है। ये जो हमारे इसमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है इसका रेजोल्यूशन कितना है, तो यहाँ इसका रेजोल्यूशन है 12 बिट का, आप ये इसको ध्यान रख लेना। इसमें नोड एमसीयू में जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है वो 12 बिट का रेजोल्यूशन होता है, और रेजोल्यूशन जितना ज्यादा होगा उतना एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो है छोटे छोटे स्टेप्स में वैल्यूज को तोड़ पाएगा। तो इसका रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा है, 12 बिट का एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, मतलब इसमें जो टोटल नंबर ऑफ लेवल्स होंगे, आपने अगर एडीसी पढ़ा है डिजिटल में लास्ट चैप्टर होते 5th यूनिट में, अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है तो 5th यूनिट जो है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन के ऊपर है। उसमें आप एक बार रिवाइज कर लेना उसका एडीसी का रेजोल्यूशन क्या होता है। एडीसी का रेजोल्यूशन जितना होगा, 12 बिट का एडीसी होगा तो उसका रेजोल्यूशन होता है 2^12। तो वो उसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस आप ये ध्यान रख लो ये 12 बिट का एडीसी है, और इसका अगर कोई आपसे रेजोल्यूशन पूछे तो 2^12 आप कह सकते हो ये इसका एडीसी का रेजोल्यूशन है। बाकी एडीसी के ऊपर अगर आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है तो आप जो है एनालॉग अपना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर नंबर 5 जो लास्ट यूनिट है उसमें आप एडीसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आप जानकारी ले सकते। तो इसमें जो है फाइनली एक ही एडीसी लगा सकते हैं। तो अब मैं आपको एक सर्किट बताता हूं जिसमें कि मैंने एक लाइट सेंसर में सबसे पहला जो आपको सेंसर बताऊंगा एक लाइट सेंसर है। लाइट सेंसर को आपको कैसे इंटरफेस करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपको कंट्रोल पैनल के अंदर एनालॉग सेंसर्स हो जो कि आपको यूज करने पड़े, तो आपको ये एडीसी यूज करना आना चाहिए। स्टूडेंट एक बार आप फिर से समझ लो, डिजिटल अगर आप डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट और एडीसी अगर आप यूज कर लेते हो तो 80-90% प्रोजेक्ट्स आप कवर हो जाते हैं। इसमें आपको इसके अलावा जरूरत नहीं है। ब्लिंक ऐप आपको यूज करना आना चाहिए, आर्डिनो की आईडी आपको इंस्टॉल करना आना चाहिए, और easycoding.com से आपको वो थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग आना चाहिए। तो इसमें आप 80-90% काम आपका हो जाएगा, बाकी आप जैसे जैसे इस पे मेहनत करोगे तो आप उसमें सीखते चले जाओगे। पर इतना सा अगर ब्लिंक ऐप भी अगर आप सीख लेते हो, अगर ज्यादा भी नहीं सीखते हो, ब्लिंक ऐप भी अगर सीख लेते हो तो आपको 80-90% आपके काम उसी में हो जाएंगे। अब देखो मैं आपको एक डायग्राम शेयर कर रहा हूं, हाँ ये देखो ये एक डायग्राम है। अब ये एलडीआर, ये एक एलडीआर है, एलडीआर का फुल फॉर्म सभी स्टूडेंट्स लोगों को पता है शायद, अब जिसको नहीं पता है तो मुझे नहीं पता क्यों नहीं पता है। एलडीआर का फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस। ये हम लोग सेंसर सबसे ज्यादा यूज करते हैं। लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस कैसा होता है, एक ग्लास के एनवलप के अंदर एक छोटा सा एक वायर का वो होता है, मैं आपको दिखा दूंगा जिन्होंने नहीं देखा है। तो ये जो है लाइट पड़ने पे इसका रेजिस्टेंस नाम से ही समझ में आ रहा है, ये क्या करता है लाइट की वैल्यू को रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करता है। लाइट कम ज्यादा होने पे इसका रेजिस्टेंस कम या ज्यादा होता है। अब देखो एलडीआर को कैसे के नोड एमसीयू के साथ कनेक्ट करना है, ये डायग्राम से आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बोला 3.3 वोल्ट से आप ज्यादा मत यूज करना 3.3 वोल्ट से। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे एक सीरीज सर्किट बनाया इन्होंने, एक 10 किलो ओम का एक रेजिस्टेंस लगाया और एक एलडीआर लगाया, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है और यहाँ 5 वोल्ट है। और इस पॉइंट से देखो यहाँ पे ये पॉइंट कहाँ जा रहा है, नोड एमसीयू के A0 पॉइंट पे। मैंने जो आपको अभी पॉइंट दिखाया है ये वही पॉइंट है, नोड एमसीयू का A0 पॉइंट, नोड एमसीयू का A0 पॉइंट है ये जो मैंने आपको बताया। एक ही A0 है, बस A0 A1 A2 नहीं है, सिर्फ A0 ही है। उस पॉइंट पे आपको ये पॉइंट को कनेक्ट करना है, यहाँ आप 3.3 वोल्ट दोगे और यहाँ आप ग्राउंड करोगे। अब देखो जैसे यहाँ पे ये कैसे काम करता है, अब जैसे लाइट यहाँ पड़ता है, लाइट को आप यहाँ पे लाइट इसके ऊपर एमिडेंट लाइट कम ज्यादा होगी, इसका रेजिस्टेंस कम ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम ज्यादा होगा तो यहाँ से फ्लो होने वाला करंट, चूंकि ये एक सीरीज सर्किट है, फ्लो होने वाला करंट भी कम ज्यादा होगा, और यहाँ से फ्लो होने वाला करंट कम ज्यादा होगा तो यहाँ पे V=IR से यहाँ वोल्टेज भी कम ज्यादा होगा। तो मतलब आपने लाइट को सबसे पहले करंट में कन्वर्ट किया और करंट से फाइनली आपने एक रेजिस्टेंस लगा करके इसको वोल्टेज में कन्वर्ट किया। इतना सा क्लियर है कि नहीं है, अगर किसी को डाउट है तो आप पूछो। मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक एलडीआर सेंसर यूज किया है। एलडीआर मतलब लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस, एलडीआर मतलब लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस। ये क्या करता है, लाइट की वैल्यू को करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस में चेंज करता है। लाइट की लाइट कम ज्यादा होने पे ये रेजिस्टेंस इसका कम ज्यादा होता है। और यहाँ पे मैंने 3.3 वोल्ट लगा दिया और यहाँ पे एक सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा के इसको ग्राउंड कर दिया। अब देखो ये लूप में करंट कम ज्यादा होगा, जब लाइट यहाँ ज्यादा पड़ेगी तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा तो यहाँ से फ्लो होने वाला करंट चेंज होगा, ये
करंट कम ज्यादा होगा तो यहाँ पे वोल्टेज कम ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा है वी इक्वल टू आई आर से, यहाँ फ्लो होने वाला यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वो कम ज्यादा होगा। उस पोटेंशियल को मैंने किसको दे दिया है, नोड एमसीयू को। अब नोड एमसीयू का काम क्या है, नोड एमसीयू को इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिजिटल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि नोड एमसीयू इस एनालॉग वैल्यू को नहीं जानता है, ये एनालॉग वैल्यू है। और यहाँ से इसको किस में देना है, नोड एमसीयू में देना है ए जीरो पिन पे, और ए जीरो पिन नोड एमसीयू का किस में कन्वर्ट करेगा, इसको डिजिटल में कन्वर्ट करेगा। बता दे रहा हूँ, देखो इजी कोडिंग में आप आ जाओ, फिर से इजी कोडिंग पे आप आ गए। अब एडीसी का डेटा कैसे लेना है, ये एडीसी का डेटा आपको कैसे करके लेना है, देखो डिजिटल के बाद यहाँ पे अगर आप इजी कोडिंग में आओगे तो ये एनालॉग वाला पॉइंट है आपको। ये एनालॉग वाले पॉइंट में सबसे पहला ये है एनालॉग रीड, ये एनालॉग रीड को आप यहाँ पे ले लो, ये एनालॉग रीड आपने यहाँ पे ले लिया। फिर इसी तरीके से मैंने बताया एडीसी का डेटा मुझे देखना है, कहीं ना कहीं तो मुझे दिखना चाहिए, तो मैं कहाँ पे देखूंगा, सीरियल पोर्ट पे देखूंगा। सीरियल पोर्ट के ऊपर मैं डेटा को लूंगा, ताकि यूएसबी केबल से जो भी सेंसर का डेटा है वो मुझे डायरेक्टली कंप्यूटर के सीरियल पोर्ट पे डेटा मिले, क्योंकि इसके अलावा देखने का कोई तरीका नहीं है। तो मैं यहाँ पे सीरियल फिर से लूंगा, प्रिंट इन ए न्यू लाइन, तो क्या करेगा ये फंक्शन, क्या करेगा प्रिंट इन ए न्यू लाइन, ये सीरियल पोर्ट पे या ये इस यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा इसके डेटा को वो कहाँ पे थ्रो करेगा, सीरियल पोर्ट के ऊपर थ्रो करेगा। तो मैं इसको यहाँ पे लगा दूंगा, इसको मैं यहाँ से हटा दूंगा, ये जो चीज है मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा, ये मैंने इसको डिलीट कर दिया। और इसकी जगह पे मैं डेटा कहाँ से दूंगा इसको, मैं एनालॉग की पिन नंबर जीरो पे, इसमें देखो एक ही पिन है, ये देखो मैंने आपको बताया एक ही पिन है ए जीरो, यहाँ आप सिलेक्शन नहीं कर सकते ए वन ए टू ए थ्री, कुछ नहीं आएगा, सिर्फ एक ही पिन है। इस पिन से जो है डेटा आ रहा है, और ये कहां पे थ्रो हो रहा है, सीरियल पोर्ट के पिन नंबर उसमें। अब यहां पे आप देखो इसको कहां पे जाओ, यहां पे कोड पे चले जाओ, देखो यहां पे ये प्रोग्राम जनरेट हो गया इसका। सबसे पहले सीरियल पोर्ट को हमने चालू किया है कितने डेटा रेट पे, 9600 बिट्स पर सेकंड पे, मतलब सीरियल पोर्ट पे जो डेटा आएगा वो 9600 बिट्स पर सेकंड पे आएगा। लूप के अंदर गए, सीरियल डॉट प्रिंट ln, ln मतलब न्यू लाइन, सीरियल पोर्ट पे प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो एनालॉग रीड, एनालॉग रीड करो कौन से पिन को, A0 को, A0 को रीड करो और सीरियल पोर्ट पे प्रिंट करो, बस ये जो प्रोग्राम है। अब आपका एनालॉग पिन पे जो भी सेंसर लगा हुआ है, जो भी चीजें लगी हुई है, आप उसका डेटा डायरेक्टली आपको सीरियल पोर्ट पे मिलेगा। यहाँ से आप इसको कॉपी करोगे, फिर से वही सेम तरीका है, इसको कॉपी करोगे, यहाँ से यहाँ पे जाओगे, इसको डिलीट कर दोगे, जो भी प्रोग्राम है पुराना इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, ये ऊपर वाला को मैं हटा देता हूँ। अब ये सीरियल पोर्ट, ये प्रोग्राम जो है देखो सीरियल पोर्ट 9600 बॉड रेट, ये बॉड रेट जरूरी है, अगर आप यहाँ पे चेंज कर दोगे तो आपको सीरियल पोर्ट के ऊपर भी एक सेटिंग होती है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये 9600 पे सेट करना है, सीरियल पोर्ट के ऊपर भी आपको इसको 9600 पे सेट करना है, बाय डिफॉल्ट 9600 पे रहता है, तो यहाँ पे आप मत चेंज करना, क्योंकि ये चेंज हो सकता है, 9600 हो सकता है और हाई हो सकता है, 19200 हो सकता है, फिर 36000 मतलब डबल हो सकता है, इसका हर डबल पे आपको मिलेगा 9600 × 2, फिर उसके बाद 19200 × 2, फिर उसके बाद फिर डबल 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 ऐसा होते होते बहुत 100000 के ऊपर तक जा सकता है ये। तो ये आप इसको मत छेड़ना, 9600 पे रहने देना। और ये सीरियल पोर्ट पे, ये देखो सीरियल डॉट प्रिंट पे एनालॉग चैनल की वैल्यू को ये रीड करा है, इसको कंपाइल करोगे, यहाँ पे सॉरी एक मिसिंग है ब्रैकेट, इसको कंपाइल करोगे देखो कोई एरर नहीं आएगा, ये जो है ये प्रोग्राम कंपाइल करोगे और फिर ये डाउनलोड से डाउनलोड करोगे। अब देखो सीरियल पोर्ट पे जो मैंने बताया कि इसकी सेटिंग होती है कहाँ पे, सीरियल मॉनिटर पे सेटिंग कहाँ पे होती है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेक करा देता हूँ। ये मैंने देखो ये मैंने सीरियल पोर्ट का ये शेयर किया है विंडो, यहाँ पे देखो ये नीचे देखो 9600 मैंने बताया ये डेटा रेट 9600 पे रहने देना, अगर आपने 9600 यूज किया है तो डेटा रेट 9600 ही रहने देना, क्योंकि नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, नहीं तो यहाँ कैरेक्टर्स टूटे टूटे आएंगे, अजीब अजीब से कैरेक्टर्स आएंगे। यहाँ पे 9600, फिर 19200, फिर 38400, फिर 57600, फिर 7884, ये इसमें से आप कोई सा भी डेटा रेट यूज कर सकते हो, पर आप 9600 पे रहने देना, इतना सफिशियंट, उससे ज्यादा हाई डेटा रेट करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे जो है ऑटोमेटिकली जो है एनालॉग चैनल्स की वैल्यू जो है यहाँ डायरेक्टली प्रिंट होता जाएगा, जो भी वैल्यूज है ये मैं आपको एक्सपेरिमेंट कल आपको मैं कल के दिखाऊंगा लाइव, तो यहाँ पे जो है ये डेटा जो है वैल्यूज आता जाएगा। तो देखो आपको समझना है कि आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, डिजिटल इनपुट आउटपुट की पिन आपको यूज करना आना चाहिए अच्छे से, और आपको एनालॉग चैनल, बस इतना सा अगर आप कर लोगे तो आप जो है 80-90% आपके प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएंगे, आपको इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। बाकी अपन इंटरनेट के थ्रू इनको एनालॉग के डेटा को मोबाइल फोन पे कैसे डालना है,
सेंसर को, सेंसर के डेटा को मोबाइल फोन पे कैसे डालना है, वो आईओटी का पार्ट है। उसके लिए मैं ब्लिंक ऐप का यूज करूंगा और मैंने जो एक और ऐप बताया है कायन ऐप, ये दोनों के थ्रू हम जो है ये डेटा को, पर आपको ये आप क्लियर होना चाहिए, इसमें अब मैं बार बार डिस्कस नहीं करूंगा कि एनालॉग से डेटा ले रहा हूँ, डिजिटल से डेटा ले रहा हूँ, एनालॉग पे सेंसर लगा हुआ है, एक मैं करंट सेंसर लगाऊंगा एनालॉग पे, करंट की वैल्यू को चेंज करूंगा, वो डेटा मेरे मोबाइल फोन पे आएगा या वो डेटा कंप्यूटर की स्क्रीन पे कैसे शेयर होगा, ये सारे एप्लीकेशन मैं आपको कराऊंगा। एक टेम्परेचर सेंसर लगाऊंगा, टेम्परेचर सेंसर का डेटा को मैं मोबाइल फोन पे डालूंगा, टेम्परेचर सेंसर के डेटा को मैं कंप्यूटर पे डालूंगा, तो ये सारे एप्लीकेशन अपन करेंगे, पर उस समय पे अपन ये सारी चीजें फिर डिस्कस नहीं करेंगे। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर मैंने बता दिया, एक ही एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है, उसका रेजोल्यूशन 12 बिट का होता है और जो है उसमें मैक्सिमम वोल्टेज 3.3 वोल्ट तक आप ले सकते हो, उससे ज्यादा का वोल्टेज आप कनेक्ट नहीं करोगे। डिजिटल इनपुट आउटपुट की पिन की 10 पिनें होती हैं, किसी भी पिन को इनपुट बना सकते हो या किसी भी पिन को आउटपुट बना सकते हो। जब आप स्विच लगाओगे तो पिन को इनपुट बनाओगे और जब आप रिले कॉन्टैक्टर इस तरह की कोई भी डिवाइसेस लगाओगे तो पिन को जो है आउटपुट